यहाँ पे मेरे पास सारी दालें पड़ी हुई हैं। आपको ये जो काला काला नज़र आ रहा है, ये लोबिया, वाइट लोबिया पे, ब्लैक आइड लोबिया कहते हैं इसको। माश की दाल आधा कप, मसूर की दाल एक कप, सफ़ेद लोबिया एक कप। ये तीनों को आपने भिगो लिया। भिगोने के बाद तीनों को आपने बॉईल कर लिया, साथ ही बॉईल करने, ठीक है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं चावल भी लाई थी कि इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे। एक इसका बघार भी पड़ेगा तड़का, और एक अभी है। हाफ कप ऑयल, प्याज जा रही है एक कप भर के, तो हम इसमें टमाटर डालेंगे चॉप्ड बारीक दो, और साथ में इसमें जाएंगे सारे मसाले। नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा 1 टीस्पून भर के, चिली पाउडर 1 टीस्पून ही। अच्छा ये देखेंगे, प्याज ऐसी अच्छी सी खूबसूरत सी हल्की सी गोल्डन हो रही है। हमने इस दाल को जो हमने मसाला भुना था, जब वो अच्छी तरह टमाटर और मसाला भून गया, तो ये जो तीनों दालें मेरे पास बॉईल की हुई थी उसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसको मैंने डाल के साथ में 1 कप पानी डाला, और मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर मैं इसमें दूसरा तड़का डालूँगी। चख लीजिएगा, मुझे लगता है नमक कम होगा। अब इसका हम करते हैं तड़का। 1/4 कप जितना तेल, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, चाट मसाला, दाल नौ बहार विद बॉइल्ड राइस, अज्जा, मसूर की दाल 1 कप, नमक 1/2 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, कटी प्याज भगार के लिए 1 कप, सफ़ेद लोबिया 1 कप, माश की दाल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गोल लाल मिर्च 6 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लौंग 4 अदद।